नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है आप सभी के लिए। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है मोदी सरकार की तरफ से। अगर आप लॉकडाउन में कहीं बाहर में फंसे हुए हैं तो आपको बता दें कि मोदी सरकार आपके लिए स्पेशल ट्रेन तो चला रही है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप रेड जोन में हैं, ग्रीन जोन में हैं या फिर ऑरेंज जोन में हैं, तो मोदी सरकार ने एक भयंकर ऐलान किया है कि सभी जोन में इन ट्रेनों को चलाया जाएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि जल्द से जल्द अब आप अपने घर पर जा सकते हैं। मोदी सरकार ने हाल ही में एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक हुई, पीयूष गोयल रेल मंत्री के साथ बैठक हुई, जिसमें बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द सभी राज्यों के लिए ट्रेन को चलाया जाएगा और जितने भी प्रवासी मजदूर बाहर में फंसे हुए हैं उनको घर पे छोड़ा जाएगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कल रात में बैठक हुई है और ये इमरजेंसी बैठक हुई है पूरे भारत देशवासियों के लिए जितने भी मजदूर बाहर में फंसे हुए हैं, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि उनके पास में खाने तक के भी पैसे नहीं हैं। और बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जो बोल रहे हैं कि हम तो चीनी महामारी के पहले ही भूख से मर जाएंगे। तो मोदी सरकार ने फैसला लिया कि जल्द से जल्द उनको घर पे छोड़ा जाए। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप कहीं पर फंसे हुए हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों कि आप कहां पर फंसे हुए हैं, ताकि उसके लिए जो ट्रेन चले मैं आपको तुरंत आपको बता दूं। और दोस्तों आपको बताना कि अगर आप रेलवे में सफर करेंगे तो इन बातों का रखना होगा ध्यान। जी हां दोस्तों, आपको बताना कि खाने पीने का कोई भी सामान आपको रेलवे में नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको पानी की बोतल मिलेगी। और दोस्तों आपको बताना कि अगर आप घर पे पहुंचते हैं तो आपको वहां पे चेकअप किया जाएगा, अगर आप चेकअप में संक्रमित नहीं पाए जाते हैं तो ही आपको घर पे भेजा जाएगा, वरना आपको सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाएगा। उसके बाद में अगर आप ठीक हो जाते हैं फिर आपको घर पे भेजा जाएगा। तो दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि इस वक्त आप कहां पर फंसे हुए हैं, ताकि उसके लिए जो ट्रेन चले मैं आपको बता दूं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।